गरीब ही नहीं, गरीबों को हटा दो, कहानी खत्म है, फिर टेंशन फ्री। देख महंगाई तो है, ये मानते महंगाई है, लेकिन महंगाई मजबूरी है। चेन पे मार पड़ी है, पढ़ाई लिखाई में, बच्चों के वैसे सब जगह मार पड़ेगी। स्कॉलरशिप वो खत्म कर दिया, आरक्षण के जितने मुद्दे थे, नौकरियां सब चीज में, वो सब खत्म हो गया। इंसान के पास कारोबार नहीं रहना तो गरीबी तो वैसे ही मर जाएगा। GST 12% है अनाज पे, आटे पे, दाल पे, नमक पे, इन पे GST 12% है। तो हीरे खरीद के लाएंगे हम, तो हीरे खाएंगे, हीरे से सब कुछ होगा, उस पर 1.5% है। नमस्कार, हिंदू वॉइस में आपका स्वागत है, मैं हूं इकराम। आज हम पहुंचे हैं जनता के बीच, जनता से बात करेंगे कि जिस तरह से कल GST की दरें बढ़ाई गई हैं, खासकर खाने पीने की चीज़ों को लेकर जो आपके किचन में रोज़ाना इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि आटा है, पनीर है, दाल है, और इसके अलावा अगर आप कहीं होटल किराए पर लेते हैं और उसका किराया 1,000 रुपये है, तो वहाँ पर भी आपको 12% GST देना पड़ेगा। आपके बच्चों के स्टेशनरी जैसे कि रबर, पेंसिल और शॉर्पनर, उन सब पर भी GST लगाई गई है, तो इस पर जनता का क्या कहना है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देव चौधरी है। देव चौधरी जी, बताइए आपके घर में आटा खुले में आता है कि पैकेज में आता है? पहले आटा तो अब पैकिंग में आता है, जब पैकिंग में आता है। कल सरकार ने 12% GST और बढ़ाई है, तो इससे आपके किचन पर मार पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, बताइए? वो बहुत ज़्यादा मार पड़ेगी, उसमें तो हर चीज़ पर मार पड़ेगी, जरूर नहीं कि किचन पर मार पड़ी है, पढ़ाई लिखाई में, बच्चों के वैसे सब जगह मार पड़ेगी। तो इस फैसले से खुश हैं? नहीं, इस फैसले से हम खुश नहीं हैं। क्यों खुश नहीं है भैया? सरकार तो कह रही है कि राष्ट्र हित में महंगाई बढ़ जाए और उनके जो महंगाई के साथ पब्लिक को वो भी तो चाहिए, कमाई का स्रोत चाहिए, कमाई का स्रोत सब खत्म हो चुका है। क्या स्रोत खत्म हो चुका है? वो कह रहे हैं कितने रोजगार दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। नहीं, रोजगार कहाँ मिल रहा है, किसको मिल रहा है रोजगार, कहाँ हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। मोदी जी ने अभी योजना निकालते रहते हैं उस जगह, योजनाएं जिसको मिल रही है, हर किसी को थोड़ी मिल जाएंगे। तो इन GST से खुश नहीं है? नहीं, GST से खुश नहीं हम। अच्छा। इस काम विरोध करेंगे। और जिस तरह से डॉलर लगातार बढ़ रहा है और पैसे घट रहा है? नहीं, डॉलर बढ़ रहा है वो तो सरकार करेगी इस चीज़ का निस्तारण। हमें तो आम जनता के लिए क्या चाहिए, आम जनता के लिए चाहिए कि सामान सस्ता हो और घर का जो है राशन पानी वो सस्ते में मिले, सब कुछ वो नहीं मिला। आप बताएं आपका नाम? जी प्रदीप कुमार। प्रदीप जी आप क्या करते हैं? जी यही नगर पालिका में बैठते हैं। GST बढ़ाए गए हैं खाने पीने की चीज़ों को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? जी GST से कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों को रोजगार जरूरी है। अच्छा। एक काम बंद होने से हर चीज पर प्रभाव पड़ता है, जैसे आप कंस्ट्रक्शन का काम ले लो, एक कंस्ट्रक्शन का काम खत्म होने से सभी चीजों पे मजदूरी पे फर्क पड़ता है, लोगों को काम नहीं मिलता। चैन में ये बताइए, जो ये आपकी किचन की चीजें महंगी हुई है, इससे कितना फर्क पड़ेगा? हर चीजों पे कई कई जगह GST देना पड़ रहा है। अच्छा। बस छोटे लेवल पर जाओ, आटे वाला अलग, ताकि ये खाने पीने की चीजें बाहर थी, अचानक ये भी अंदर आ गए, इसके तो इससे घर के किचन पे कितना फर्क पड़ना है? इस पर बहुत ज्यादा पड़ जाएगा, 12% का मतलब 1200 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। यानी कि आप अगर अपनी मिसिस को 20,000 रुपए खर्चा दे रहे थे अभी तक, तो अब आपको 12% और बढ़ाना पड़ेगा। 12% और बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा। 12% का मतलब 12 × 24,000 2400 रुपए देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, वे कहाँ से आएंगे? ये कमाई का कोई स्रोत नहीं है, यहाँ तो वैसे भी काम नहीं है। अच्छा। देखो स्कॉलरशिप वो खत्म कर दिया, आरक्षण के जितने मुद्दे थे, नौकरियां सब चीज में, वो सब खत्म हो गया। अब पहले एफिडेविट वगैरह यहाँ आ जाते थे, अब वो सब खत्म हो गया। कोई जाति के लिए आता, जाति किस लिए बनवाएगा? जाति बनती थी तो एफिडेविट बनता था भाई, वहाँ पे कोई नौकरी में लगाते थे, तो यहाँ सब चीज खत्म है। अब कोई तो भी कुछ नहीं है इस फैसले से, कोई कुछ नहीं है जी। आप बताएं आपका नाम क्या? मुस्तफ़ा खान। मुस्तफ़ा जी, आपकी किचन की चीज़ें महंगी हुई हैं, कल सरकार ने GST बढ़ाई है आटा, पनीर और कई सारी खाने पीने की चीज़ें पर, तो कितना असर पड़ेगा आपकी किचन पर? महोदय, मैं आपसे एक ये कहना चाहूँगा, अगर मेरा मैसेज सरकार तक पहुँच सके तो बस इतना ज़रूर हो कि जो GST बढ़ाई है सरकार ने, मैं तो कहता हूँ ये 12 की जगह 50% कर देनी चाहिए। 50% बढ़ा देनी चाहिए, 50 की भी 60 कर दे, 70 कर दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, हम तो काम कर रहे हैं। 100 रुपये कमाएंगे, 70 रुपये सरकार को देने में खुश हैं? 80 भी दे देंगे हम तो सरकार को, GDP के लिए तो हम सरकार को सब कुछ दे देंगे। सरकार को तो हम ये समझो, अगर वो ये कहे ना कि पेट्रोल 5,000 रुपये लीटर रहेगा तब भी खरीद लेंगे। अच्छा। हम तो अमीर है। अच्छा। मुसीबत तो गरीब की है, उनको नहीं चलानी चाहिए ना गाड़ी, ना उनके बस की गाड़ी चलाने का मसला। अच्छा। ना उनको गाड़ी चलानी चाहिए, आपके हिसाब से गरीब को जीवन भी जीना नहीं चाहिए? जब सरकार नहीं चाहती तो हम क्या करेंगे भाई साहब? अच्छा। सरकार खुद नहीं चाहती, गरीबी नहीं, गरीबों को हटा दो, खत्म कहानी। जब सरकार खुद नहीं चाहती, गरीबी नहीं, गरीबों को हटा दो, कहानी खत्म है, फिर टेंशन फ्री, सरकार भी खुश, आम आदमी भी। हमारे सरकार को तो, हमारे मोदी जी तो देश के लिए इतना बढ़िया कर रहे हैं, और इतना बढ़िया कर दिया कि लोनी के तो बादल भी ले गए वो अपने साथ। जहाँ गरीब
वहाँ तो बारिश भी नहीं आ रही, बारिश भी वहीं आ रही है जहाँ क्या नाम अमीर रहते हैं। इन्होंने बहुत बढ़िया तंज कसा है कि भैया गरीबों को तो अमीरों को फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो गरीबों को तो जीवन भी जीना नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार नहीं चाहती तो हम क्या कर सकते हैं, आम आदमी क्या कर सकता है। आप बताएं आपका नाम? हरीश चौधरी, क्षेत्र पंचायत सदस्य। अच्छा हरीश जी, बताइए किचन की चीज़ें महंगी हुई हैं, कल GST दरें बढ़ाई गई हैं, तो आप शादीशुदा हैं, आप अपने बीवी को अभी जितना खर्चा दे रहे हैं तो उसे 12% ज़्यादा देना पड़ेगा, तो कितना फ़र्क पड़ता है? हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा? बस आपकी कमाई है इतनी। हाँ कमाई अच्छी है तो फ़र्क नहीं पड़ना, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा नहीं, अगर आपकी चीज़ें किचन की चीज़ें महंगी हो रही हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, खुश है इस फैसले? खुश से बिल्कुल। अगर जो सरकार ने फैसला लिया बेहतर ही लिया होगा, सबके हक में लिया होगा। अच्छा सबके हक में लिया होगा। आप अपना नाम बताएं? वेद प्रकाश त्यागी। त्यागी जी, कल GST की दरें बढ़ाई गई हैं किचन की चीज़ों के लिए, आटा पनीर 12% एक्स्ट्रा GST, कितना फर्क पड़ने वाला है किचन पे? किचन पे फर्क तो पड़ना है, लेकिन गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए खर्चे के लिए। अच्छा अगर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाएगी तो खर्चा कहाँ से आएगा? इतने अच्छे काम कर रहे हैं, देश की तरक्की का जो पैमाना होता है वो टैक्सेस नहीं होता है। नहीं टैक्सेस नहीं होता, फिर भी हमारी इकोनॉमी जो थोड़ी डाउन जा रही है उसको रिकवर करने के लिए इनको चाहिए पैसा, चाहिए गवर्नमेंट को। जब गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, हाईवे बना रही है, कॉलेजेस बना रही है, अगर बना रही है तो उसका टोल लेती है, वो एक अलग मसला है, प्राइवेट टेंडर जाते हैं। नहीं जो ये बन रहे हैं एम्स बन रहे हैं और दूसरे प्रोग्रेस के काम हो रहे हैं, ट्रेन बन रही हैं, तो उन्हें पैसा तो लगता है, एकदम से पैसा नहीं आता। फिर भी देख महंगाई तो है। अच्छा। ये मानते हैं महंगाई है, लेकिन महंगाई मजबूरी है, पीछे कोरोना की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम आई है, और अभी देश में मोदी अच्छा काम कर रहा है जो अपने ये। अच्छा, आप साल में कोई एक ऐसी चीज़ बताइए मोदी राज में जो सस्ती हुई है, वादा क्या गया था ना कि सस्ती चीज़ें लाएंगे, पेट्रोल थोड़ा सस्ता हो जाएगा, आटे दर चीज़ें GST से बाहर रहेंगी, मुझे आपको एक चीज़ बताइए जो सस्ती हुई है। सस्ती ईमानदारी हुई है, सस्ते रोड पे चलना सस्ता हुआ है। रोड पे चलना तो महंगा हुआ है? नहीं महंगा नहीं हो, सस्ता हुआ है। पहले सुनो मेरी बात, पहले हम लोनी आते थे आधा घंटा लगता था, अब 5 मिनट में आ जाएंगे एक साल बाद लोनी आपके क्षेत्र में। हाँ हमारे क्षेत्र में, और मेरठ जाते थे 3 घंटे लगते थे, अब मेरठ हम 45 मिनट में पहुँच जाते हैं, इतना वो हो रहा है, तो इससे फायदा तो हो रहा हमें। ये यानी कि आपके पास गाड़ी है, आप आसानी से जा सकते हैं। गाड़ी सबके पास। गरीब हो, गरीब नहीं है वो क्या करे? कौन गरीब नहीं है, गरीबों को सस्ता अनाज मिल रहा है, 5 फ्री राशन। हाँ फ्री राशन मिल रहा है, सस्ता भी मिल रहा है, फ्री भी मिल रहा है। गरीबों को फ्री दिया जा रहा है तो महंगाई जरूरी है? महंगाई जरूरी नहीं, महंगाई मजबूरी है। मजबूरी है? हाँ जरूरी नहीं है। आपको अपना नाम बताएं? नसीम से। नसीम जी बताएं, किचन की चीज़ें महंगी हुई हैं, आटा दाल सरकार महंगी पड़ रही है, महंगी है, क्या फर्क पड़ने वाला है? फर्क तो पड़ेगा, गरीबों पर फर्क पड़ेगा। गरीबों पर फर्क पड़ेगा, आप पे फर्क नहीं पड़ने वाला? बिल्कुल। अच्छा, पड़ेगा। अच्छा। कारोबार नहीं है, सारी चीज़ तो कारोबार से, जब इंसान के पास कारोबार नहीं रहना तो गरीबी तो वैसे ही मर जाएगा। क्या नाम है आपका? जितेंद्र यादव। जितेंद्र जी बताइए, सरकार ने GST बढ़ाई है कल, जी। मोदी जी ने कहा था कि वो आटा दाल GST अगर लाएंगे तो सस्ती हो जाएंगे, जी जी। लेकिन 12% महंगी हो गई है कल सर, ये तो महंगी हो गई तो आम जनता बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि काम रोजगार है नहीं और महंगाई पे महंगाई बढ़ती जा रही है, सिलेंडर पे भी गैस पे भी पैसा बढ़ गया, जी जी जी, तो इससे तो बहुत सारी समस्या हो जाएंगी। तो क्या कहेंगे ऐसी सरकार को जो वादा कर रही थी गरीबों की हितैषी है, गरीबों का भला सोचती है, लेकिन ये सारी चीज़ें महंगी हो रही हैं? सर अब इसका क्या करा जा सकता है, जब महंगाई पड़ रही हो तो वादा तो किया था कि सस्ती हो जाएंगी। अब GST लगाना तो पेट्रोल पे लगा लो, पेट्रोल में सस्ता हो जाए, डीजल सस्ता हो जाए, जो कि उस पर तो नहीं लगा रहे। कुछ आपने पेट्रोल पर क्यों नहीं लगाते? उस पर क्यों नहीं लगा रहे? उस पर भी तो लगाना चाहिए, अगर सब पे लगा रहे GST बढ़ा रहे तो उस पर भी लगाना चाहिए। GST लगा दें तो और सस्ता हो जाए, फिर चीज़ें और भी सस्ती हो सकती हैं, यानी कि जो चेन है जो ट्रांसपोर्ट बनता है जिससे वो सस्ती हो सकती है, वो सस्ती हो जाएगी। जी जी हाँ। असल में हुआ क्या है, सरकार जो चाहती है, हम लोग हीरा खरीदने वाले हैं, हीरा पे 1.5% GST है, तो जो हम गरीब तबके के लोग हैं हम तो हीरा खरीदेंगे, हमें नाच से क्या मतलब, हमें बुक्स से क्या मतलब, हमें और सारी चीजें। GST 12% है अनाज पे। अच्छा। आटे पे, दाल पे, नमक पे, इन पे GST 12% है, तो हीरे खरीद के लाएंगे हम तो हीरे खाएंगे, हीरे से सब कुछ होगा, उस पर 1.5% है, तो हमारे लिए तो वो फायदे की चीज है। आपको मौका नहीं छोड़े सरकार को तंज मारने का? तो मौका की क्या बात है, हम तो अमीर लोग हैं ना, हम तो हीरा खरीद के लाएंगे सरकार को, तो हीरा खाएंगे बैठ के। हीरे के लिए सरकार ने GST फ्री कर रखी, तो हम जैसे गरीब लोगों को हीरा सूट देगा ना, तो हम भी उनकी श्रेणी में आ जाएंगे। तो ये थी हमारे देश की आम जनता, जिन्होंने GST पर अपनी राय रखी, महंगाई पर अपनी राय रखी। इस पर जो कुछ कहना है नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपके किचन पर कितना प्रभाव पड़ा उसके लिए जरूर लिखें। मिलते हैं अगले एपिसोड।